कार दोस्तों, आज मेरे पास MI का TV आया, 32 इंच का है और डेड कंडीशन में आया। इंडिकेटर पे कोई लाइट नहीं जल रही है। मॉडल नंबर आप देख सकते हो, 32M5 है और इंडिकेटर पे लाइट भी नहीं जल रही है, पूरी डेड कंडीशन में है। और आपको मैं अभी प्लग से लाइट दे के भी दिखा देता हूँ कि कहीं पे लाइट नहीं जल रही है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना दोस्तों। तो देख सकते हो, यहाँ पर लाइट कट करके मैंने लाइट दे दिया। अब देख सकते हो, यहाँ पर ये बोर्ड में इंडिकेटर कुछ नहीं जल रही है। आप देख सकते हो, बगल की जो मेरी बैक लाइट है वो जल चुकी है, आपको रोशनी से पता चल रहा होगा। और यहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं आ रही है। तो क्या प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड में क्या दिक्कत आ रही है, इसी को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है तो आपको भी समझना चाहिए। मैं एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में और मैं आशा करूँगा कि ये स्टेप देख के आपका भी TV ओके हो जाना चाहिए, अगर आप टेक्नीशियन है तो दोस्तों ज़रूर लास्ट तक वीडियो को देखना। तो चलिए, हम मल्टीमीटर को यहाँ पे सेट कर लेते हैं पूरा और उसके बाद एक एक वोल्टेज को हम चेक करने वाले हैं और कहाँ पे कितनी वोल्टेज बनती है, ये सारी जानकारी अब हम लेने वाले हैं। मैं आपको बता दिया कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर LED TV रिपेयर रिलेटेड वीडियो आता रहता है दोस्तों। और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं फिर भी आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना दोस्तों। तो ये जो एरिया है ये सप्लाई की है और यहाँ पे AC वोल्टेज हो गया, इसके बाद DC होके और यहाँ पे 12 वोल्ट बनती है। ये डायोड लगा हुआ है, जो इस डायोड पे आपको 12 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो हम जैसे यहाँ लगाते देखते हो 12 वोल्ट ओके, तो इसके मतलब ये है कि हमारा सप्लाई बिल्कुल ओके है, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर 12 वोल्ट बन रही है तो सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। और आगे की प्रॉब्लम है, जैसे कि 12 वोल्ट नहीं बनती है तो अब आपकी सप्लाई में दिक्कत होती है, बट यहाँ पे 12 वोल्ट बन रही है। अब यहाँ से आते थे, ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हो, ये यहाँ पे 12 वोल्ट इस लेग पे बनेगी, जो कि VCC आपको पैनल के अंदर जाता है। जब आपकी TV ऑन होती है तो ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग करके आगे 12 वोल्ट को भेजता है। तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट बिल्कुल ओके बन रहा है, तो 12 वोल्ट के आगे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है जिसके वजह से 12 वोल्ट कोई ड्रॉप करे। तो 12 वोल्ट तो मेरा पूरा ओके हो गया। अब 12 से बनती है 5 से बनती है 3.3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये सारा वोल्टेज हमें चेक करना है। तो यहाँ पे एक आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएगा जंपर के बगल में, यहाँ पे कितना आती है 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट स्विचिंग करती है तो स्टेट वाइज रिलीज होता है। तो यहाँ पे आपको करना है, चेक करना है 5 वोल्ट। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है दोस्तों, देख सकते हो नहीं बन रहा है यहाँ पे 5 वोल्ट। ये कॉइल पे आपको वोल्टेज चेक करना है, यहाँ पे बनती है 1.5 वोल्ट के लमसम में, 1 से लेकर 1.5। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 0/0 वोल्टेज बन रही है। और आगे जितने भी कॉइल है, ये वाला देख सकते हो, ये 118 IC जो है यहाँ पे बनती है, एक लेग पे आपको बनेगी, बैक साइड में यहाँ पे बनेगी 5 वोल्ट, इस पॉइंट पे आपको 5 वोल्ट बनेगी, यहाँ पे 3.3 बनेगी, यहाँ पे 1.7 बनेगी। तो यहाँ पे आपको चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप देखते हो बिल्कुल 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। आगे चेक कर लेता हूँ, जब पीछे ही नहीं बन रहा है तो आगे भी बिल्कुल वोल्टेज नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल के शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। दिक्कत क्या आ रही होगी, इसमें कोई ना कोई कैपेसिटर या IC शॉर्ट हो गया होगा। तो कौन सा IC शॉर्ट है, कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है, उसको हम अभी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं ट्रांजिस्टर पे, यहाँ पे अभी हम बताए थे कि यहाँ पे 5 वोल्ट आउट होती है, तो ये 5 वोल्ट पे क्या हो रहा है। तो देखते हो, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग अभी शो नहीं हो रहा है, कोई शॉर्टिंग शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं है। और इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, तो ये ट्रैक दिख रहा है आपको यहाँ पे, जब साउंड IC के जस्ट बगल में आपको एक 12 वोल्ट का ट्रैक मिल जाएगा और एक ट्रैक मिल जाएगा आपको 5 वोल्ट का। तो यहाँ पे देखो, ये जो ट्रैक दिख रहा है आपको, ये वाले ट्रैक, ये ट्रैक है, ये ट्रैक पे यहाँ पे 5 वोल्ट बनती है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये कैपेसिटर आपको दिख रहा है, यहाँ एक कैपेसिटर की जो ट्रैक है ये 5 वोल्ट आती है इनपुट यहाँ से, ये जो ट्रैक दिख रहा है, ये यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड आपको शॉर्ट ही दिखाएगा। यहाँ देखते हो शॉर्टिंग दिखा रहा है शॉर्टिंग। और दूसरे साइड आपको यहाँ पे भी चेक कर लेना, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए, इस पॉइंट पे शॉर्टिंग नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी तत्काल बजर पे है, अब मैं इसको डायबोर्ड पे कर दे रहा हूँ, डायबोर्ड पे देखते हो शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है ये शॉर्ट दिखा रहा है, हो सकता है कैपेसिटर खराब हो, यहाँ पे शॉर्टिंग हो गया हो। तो इस कैपेसिटर से के आगे हम यहाँ आते हैं MOSFET के पीछे, यहाँ पे भी आपको शॉर्ट दिखाएगा। और जो 5 वोल्ट इनपुट होता है ये MOSFET से लेके आपको और ये ट्रांजिस्टर के बीच में ही देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा, ये शॉर्टिंग दिख रहा है। तो यही जो ट्रांजिस्टर है यहीं से 5 वोल्ट आउट होके जाती है IC के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये कैपेसिटर को चेंज करने के लिए सोचा है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट से मैं अभी चेक करके दिखाऊंगा। ये देखो, ये रहा, ये ट्रांजिस्टर है,
इस ट्रांजिस्टर से इस ट्रांजिस्टर पे जो 5 वोल्ट आती है, जिसके बाद 3.3 और 1.5 वोल्ट बनती है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर अभी है वो हमें अभी शॉर्ट दिख रहा है, तो ये कैपेसिटर को मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा, रिमूव करूँगा। इसके लिए मुझे हॉट गन से इसका कैपेसिटर को निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल पे नया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लेना, वीडियो को बिल्कुल इग्नोर मत करना, यहाँ पे आपका लीली टीवी रिपेयर रिपीटेड वीडियो आता रहता है। तो ये कैपेसिटर को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं है, तो उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे कि आगे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लाइट जलेगी इंडिकेटर की नहीं जलेगी हमारा, ये सारा हम अभी चेक कर लेंगे। तो कमेंट में अपना राय जरूर देना दोस्तों कि आपको वीडियो देख के कैसा लग रहा है, आप सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। तो मैं ये कैपेसिटर को इजीली निकाल लेता हूँ, यहाँ आप हॉट गन को थोड़ा सा हीट करेंगे तो कैपेसिटर निकल जाएगी, अब यहाँ पे निकल चुकी है। अब इसके बाद फिर से हम शॉर्टिंग चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि शॉर्टिंग बन रही है या नहीं बन रही है, या शॉर्टिंग हट गई है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ, ये देखो शॉर्टिंग यहाँ पर, तो ग्राउंड साइड तो शॉर्ट ही रहेगी। अब जिधर 5 वोल्ट आ रही थी उस साइड चेक करता हूँ, तो अभी भी यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे अभी भी शॉर्टिंग है, तो इसका मतलब है कि आगे शॉर्ट है, ठीक है। ये कैपेसिटर सही था, अब आगे ये ट्रैक को हम देखते जाएंगे कि ट्रैक जा कहाँ रही है। तो ये ट्रैक जा रही है इस आईसी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे देखते हो 1.5 वोल्ट की जो आईसी लगी हुई है इसके ऊपर जा रही है ट्रैक। अब हम इसके बगल में जो कैपेसिटर है वो भी शॉर्ट दिख रहा है, तो मैं इस कैपेसिटर को हॉट गन से नहीं, मैं ये मल्टीमीटर के पिन से ही रिमूव कर दे रहा हूँ। ये जो कैपेसिटर दिख रहा है ये वाली कैपेसिटर को मैं अब यहाँ पर रिमूव करने वाला हूँ, क्योंकि इस ट्रैक को शॉर्ट होने में ना सबसे ज़्यादा होता है कि कैपेसिटर ही शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर को मैं अभी रिमूव कर दूँगा। तो ये मैंने रिमूव कर दिया, अब शॉर्टिंग चेक करते हैं, यहाँ पर शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो अभी भी सेम प्रॉब्लम, सेम शॉर्टिंग है, अब पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया दोस्तों, ये आईसी शॉर्ट ही है। अब इस आईसी को हमें रिमूव करना होगा यहाँ से, और उसके बाद हम दूसरा आईसी लगा के देखेंगे कि डिस्प्ले ओके हो रहा है या शॉर्टिंग हट रहा है या नहीं हट रहा है। तो इस आईसी को यहाँ से हम कर लेते हैं रिमूव। फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देखे हैं आप, अगर फेसबुक से या यूट्यूब से कहीं से भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हाय जरूर लिख देना, ताकि मैं समझूं हाँ आप सब वीडियो देखते हैं। अब मैंने आईसी को रिमूव कर दिया है यहाँ पे, और अब शॉर्टिंग को हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो शॉर्टिंग बिल्कुल हट चुकी है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं है। अब जहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा था शॉर्टिंग बिल्कुल हट चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या नाम है 1.5 वोल्ट की अगर आईसी नहीं है आपके पास तो रेगुलेटर लगा सकते हैं, बट मेरे पास ख़राब मैन आईसी में कार्ड पड़ी हुई है, मैन आईसी ख़राब है इसका, तो मैं इसका आईसी निकाल के इसके ऊपर लगा दूंगा और फिर देखूंगा कि ये पिक्चर ओके हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं ये आईसी ख़राब बोर्ड में से निकाल रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ से। आपको हल्की हाथों से इसको रिफ्लो करना है और आईसी निकाल के दूसरे वाले पे लगा देना है। अगर आपके पास आईसी नहीं है तो मॉडल यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, बट मेरे पास ख़राब कार्ड है तो मैं यहाँ पे आईसी यूज करूँगा। अभी ये लग चुकी है यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, टीवी को ऑन करके देखेंगे कि लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, और जो शॉर्टिंग थी वो हट चुकी है तो लाइट जल जानी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हो, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया और 1.5 वोल्ट की आईसी थी वो आईसी को मैंने उसमें लगा दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। अब हम क्या नाम है टीवी में लाइट दे के वोल्टेज को चेक करेंगे कि वोल्टेज प्रॉपर बन चुकी है या नहीं बन चुकी है, या कुछ और भी प्रॉब्लम है वो भी फाइंड हम कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर वीडियो लंबा होने वाला है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। और अगर आप यहां तक वीडियो देखे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शॉर्टिंग देख सकते हो बिल्कुल हट चुकी है, शॉर्टिंग कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हम यहां पे प्लग को लगाएंगे लाइट वाली और देखेंगे कि रेड लाइट जली या नहीं जली। तो प्लग मैंने लगा दिया है, आप देखते हो यहां पे रेड लाइट जल चुकी है,
जो कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी, आप 5 वोल्ट चेक करेंगे कि 5 वोल्ट बन रही है या नहीं बन रही है, 1.5 वोल्ट बन रही है या नहीं बन रही है, 3.3 वोल्ट बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पे स्टैंड बाई मोड में अभी कार्ड है और हम यहाँ पे चेक करेंगे 5 वोल्ट। तो देखते हो बिल्कुल ओके, 5 वोल्ट बन चुकी है, जो 5 वोल्ट पहले नहीं बन रही थी, शॉर्ट दिखा रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो ये 3.3 के जगह 2.75 बन रही है दोस्तों। तो यहाँ पे ये 118 जो नंबर की आईसी है वो भी ख़राब है और 1.5 वोल्ट के जगह 1 वोल्ट बन रही है। तो इस आईसी को भी मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा अभी। अगर ये भी आप ज़रूर ध्यान देना, अगर डेड कंडीशन या स्टैंड बाई कंडीशन में टीवी रिपेयर करते हैं तो इसको भी आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस आईसी को भी यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं प्रॉपर वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। इस आईसी को भी आपको चेंज करना है क्योंकि यहीं से मेन आईसी में और मेमोरी आईसी में वोल्टेज जाती है जिससे स्टैंड बाई रिलीज होता है, और यहाँ पे आप अगर कम वोल्टेज बनता है आपका तो स्टैंड बाई रिलीज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, मैंने फिर उसी कार से रिमूव किया एक दूसरा आईसी और इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दे रहा हूँ ये आईसी को। हो गई इंस्टॉल दोस्तों। अब हम वोल्टेज को चेक करेंगे कि हमारा 3.3 वोल्ट और 1.7 वोल्ट ओके बनी या नहीं बनी। तो प्लग को लगाते हैं यहाँ पे। लगा दिए हम प्लग को, इंडिकेटर जल चुकी है, पहले भी इंडिकेटर जलती थी, अभी भी जल चुकी है, डेड से ऑन हो चुका है इंडिकेटर। और यहाँ पे हम देखते हैं वोल्टेज को, तो देखते तो 3.3 वोल्ट बन गई, पहले यहाँ क्या बन रही थी 2.6 वोल्ट और यहाँ पे बन रही थी 1 वोल्ट, तो यहाँ बन गई 1.7 वोल्ट, मतलब वोल्टेज बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो दो आईसी इसके अंदर ख़राब निकला है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे 1 वोल्ट बननी चाहिए 1.7 वोल्ट तक, तो ये भी वोल्टेज बन चुकी है, ये भी वोल्टेज बन चुकी है, तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे ओके हो चुका है दोस्तों। और टीवी ऑन होने के कगार पे आ गया, कंडीशन बिल्कुल ओके हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे फॉलो कर लीजिएगा, कॉमेंट में बताना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।